अनुराइन मोहतरम खवातीन बुजुर्गों भाइयों और बच्चों अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग जो इल्म सीख लेते हैं हमेशा उन लोगों के मुकाबले में जो इल्म नहीं जानते मौजूद रहते हैं। अल्लाह ताला के मामलात पर जब गौर व फिक्र किया जाता है तो उसमें भी ये बात हमें नजर आती है कि अल्लाह ताला ने 124,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। हर पैगंबर की जिंदगी यही रही कि उन्होंने इंसान और हैवान को मुमताज करने के लिए जो कायदे बताए वो ये है कि इंसान दूसरे तमाम हैवानात से इसलिए अफजल है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने इल्म सीखने की सलाहियत दे दी है। जहां तक अक्ल और शऊर का ताल्लुक है, अक्ल और शऊर कायनात में हर मखलूक को, मखलूक में हर नौ को और नौ में हर फर्द को तकसीम हुई है। कोई भी आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि अक्ल व शऊर सिर्फ इंसान को अल्लाह ताला ने अता किया है। इसलिए ये बात मुशाहदे में है कि छोटी से छोटी चिमटी और बड़े से बड़ा हाथी भी अकल रखता है। चिमटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और कुरान पाक में भी चिमटी के अकल के बारे में अल्लाह ताला ने वजाहत से बयान किया है। और इंतहा यह है कि कुरान पाक की एक सूरत का नाम ही सूरह नमर यानी सूरह चिमटी। चिमटी बरसात आने से पहले पहले अपने लिए जखीरा जमा कर लेती है अजनास का। और जिन लोगों ने इस सिलसिले में रिसर्च की है वो ये बताते हैं कि चूंकि जमीन के अंदर जब जखीरा करती है तो उस जखीरे के लिए वो अलग अलग स्टोर बनाती है। मसलन चीनी की जगह चीनी रखती है, चावल की जगह चावल रखती है, गेहूँ की जगह गेहूँ रखती है और वो दीवार के अंदर दीवार को खोद कर इस तरह स्टोर बनाती है कि अगर जमीन के अंदर किसी तरह पानी भी दाखिल हो जाए तो वो जो स्टोर जो है उसके खराब नहीं होते हैं। जाहिर है अगर चींटी के अंदर अकल ना हो तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम उसकी जिंदगी से मुताल्लिक नहीं चल सकता।
हाथी के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत जहीन होता है, घोड़े के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत अकलमंद होता है, और अपने मालिक का इंतहाई वफादार होता है, उसके इशारों पे चलता है, लड़ाइयां लड़ता है। महाज पर घोड़े के ऊपर जो मुजाहिद या सिपाही बैठा हुआ होता है उसके इशारों के मुताबिक आगे पीछे होता रहता है। चिड़ियां आप देखें, चिड़ियों का भी यही उसूल है कि जब उनके बच्चे होते हैं तो वो उन बच्चों को दाना भी देती हैं, उनको उड़ना भी सिखाती हैं। मकसद ये है कि यहां दुनिया में कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसके अंदर अकल नहीं है, खाने की अकल, सोने की अकल, सर्दी गर्मी से बचाव की अकल, बच्चों से प्यार करने की अकल और बच्चों को तरबियत देने की अकल हर मखलूक में मौजूद है। बिल्ली को आप देखें, बिल्ली अपने बच्चों को किस तरह पालती है, परवरिश करती है और उसे शिकार करना सिखाती है। मुर्गी को आप देखें, एक मुर्गी माँ बाज औकात उसके 20-22 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे आपने देखे होंगे। जब मुर्गी को इस बात का खतरा लायक होता है कि चील उसके बच्चे को उठा ले जाएगी तो वो एक मखसूस आवाज निकालती है, सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और उसके परों के नीचे बैठ जाते हैं और मुर्गी परों को फुलाकर बच्चों को अपनी गोद में इस तरह समेट लेती है कि कोई बच्चा नजर नहीं आता और चील की नजर से बच जाता है। इससे कौन आदमी इंकार कर सकता है कि ये मुर्गी की अकल की बात है कि उसने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बच्चों को अपने परों में छुपा लिया। दूसरी बात इसमें ये सामने आती है कि मुर्गी के बच्चों में भी अकल है। अगर बच्चों में अकल ना होती कि मुर्गी की मखसूस आवाज सुनकर बच्चे माँ की गोद में न सिम जाते। जितने भी आप गौर करेंगे जमीन के ऊपर रहने वाली मखलूक के बारे में, वो चींटी हो, बकरी हो, शेर हो, कोई और जानवर हो, आपको अकल जरूर नजर आएगी। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि शेर ने कभी पत्ते नहीं खाए? वो अकल और शऊर के एतबार से ये बात जानता है कि शेर की खिलाफ गोश होती, पत्ते नहीं होते। इस बात से कौन आदमी इनकार कर सकता है कि कभी किसी ने बकरी को गोश्त खाते हुए नहीं देखा? इसलिए कि बकरी का अक्ल और शऊर उसे ये बताता है कि बकरी सिर्फ घास, पाप और पत्ते ही खा सकती है, गोश्त उसे खाने की चीज नहीं। अब जब हम जमीन के ऊपर मौजूद तमाम हैवानात की जिंदगी को देखते हैं तो हमें हर जानदार चीज में अकल की कार फरमाई नजर आती है। जब हम इंसान का और जमीन के ऊपर मौजूद दूसरी मखलूकात का तजिया करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी के मामलात पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें यह नजर आता है कि जिस तरह एक बिल्ली में अकल है, एक कुत्ते में अकल है और इंसान में भी अकल है। अगर अकल और शऊर की बुनियाद पर
इंसान और हैवानात का तस्करा किया जाए तो हम किसी भी तरह इंसान को महज अक्ल और शऊर की बुनियाद पर हैवानात से मुमताज करार नहीं दे सकते। ये कहा जा सकता है कि जानवरों में अक्ल कम होती है और इंसानों में अक्ल ज्यादा होती है, लेकिन हम ये भी देख लें कि इंसानी बिरादरी में भी ऐसे लोग होते हैं जो अक्ल और शऊर के एतबार से भेड़ बकरी से भी कम होते हैं, जिसे हम रिटायर्ड कहते हैं, बावड़े कहते हैं, कम अकल कहते हैं, पागल लोग कहते हैं। तो अब देखना ये है कि इंसान जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई, इंसान जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को मुसख़र कर दिया, इंसान जिसके लिए अल्लाह ताला ने चांद को, सूरज को, जमीन को, आसमान को, सितारों को महकूम बना दिया, किस बुनियाद पर दूसरे हैवानात से मुमताज है? जहां तक चांद सूरज की रोशनी का ताल्लुक है, अगर ये कहा जाए कि साहब चांद का मुसख़र होना ये है कि चांद की चांदनी से इंसान को फायदा पहुंचता है, अगर ये कहा जाए कि सूरज की धूप से इंसान को फायदा पहुंचता है, क्योंकि सूरज इंसान को रोशनी पहुंचाता है, धूप पहुंचाता है, इसलिए सूरज इंसान के लिए मुसख़र है, तो ये बात बड़ी ही जहालत की और बड़ी ही बेवकूफ़ी की है। इसलिए कि हम देखते हैं कि सूरज की तपिश से, सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से जिस तरह इंसान को फायदा पहुंचता है, इसी तरह सूरज की रोशनी से दरख्तों को भी फायदा पहुंचता है, हैवानात को भी फायदा पहुंचता है, नबातात को भी फायदा पहुंचता है और जमादात को भी फायदा पहुंचता। चांद की चांदनी से अगर इंसान के अंदर संसारी की कैफियत पैदा हो, जो चांद की संसारी से दूसरे हैवानात में भी एक कैफियत पैदा होती और उससे वो खुश होते। इंतहा यह है कि आपने सुना होगा एक परिंदा होता है चकोर, जब चांद की चांद शबाब पर होती है तो चकोर उस चांद को पकड़ने के लिए या उस चांद के करीब होने के लिए उड़ता है परिंदा, और इतना उड़ता है, इतना उड़ता है कि वो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर प्रवास करता रहता है, और उसी प्रवास के दौरान उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर चकोर का और इंसान का मुवाजना किया जाए तो चांद की कैफियत से संसारी चकोर के अंदर ज्यादा है, इंसान के अंदर कम है। इसी सूरत से रात की तारीकी से इंसान के अंदर एक सुकून पैदा होता है, जहन के अंदर ठहराव पैदा होता है, आसाब को आराम मिलता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसे परिंदे भी हैं कि जो रात के अंधेरे में ही अपना सब काम करते हैं, मसलन उल्लू है, उल्लू को दिन को नजर ही नहीं आता, उसे रात ही को नजर आता है, चमगादड़ है उसे दिन को नजर नहीं आता, रात ही को नजर आता है। तो हम अब यूं कहेंगे कि अगर एक चमगादड़ का और उल्लू का और इंसान का मुवाजना किया जाए तो उल्लू और चमगादड़ इंसान से इसलिए अफजल करार पाया कि इंसान अंधेरे में देख नहीं सकता, उल्लू अंधेरे में देखता है और मीलों मील प्रवास करता है। दिन की रोशनी का भी यही हाल है कि जब दिन की रोशनी होगी उसमें जमीन के ऊपर जितनी भी मखलूक मौजूद है सबको फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा।
तो फिर वो कौन सी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर चांद सूरज जमीन आसमान सितारे फरिश्ते इंसान के लिए महकूम कर दिए गए। ये हकमियत नहीं है कि चांद जब आपने ड्यूटी दे रहा है और जरूर आपको चांदनी मिलेगी, ये महकूमियत नहीं है कि सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब हो जाता है और आप उसकी धूप से फायदा उठाते हैं, उसकी धूप से तो हर चीज फायदा उठाते हैं। तो कुरान पाक में जब हम इंसान का और दूसरी तमाम मखलूकात रहमानात का मुताला करते हैं तो हमें एक ही बात नजर आती है जो इंसान के शख्स की है, वो ये कि जमीन पर मौजूद कोई भी मखलूक अक्ल व शऊर के एतबार से तो मुकम्मल है अपने हालात के मुताबिक, लेकिन कोई मखलूक इल्म नहीं सीख सकती। किसी बकरी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो अलिफ बे से सीख कर कोई इल्म हासिल कर, इंग्रेजी सीख ले, उर्दू सीख ले, हिंदी सीख ले, साइंस सीख ले, रूहानियत सीख ले, ये वसीफ जो है इंसान के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान दूसरी तमाम मखलूकात से इसलिए मुमताज है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक इजाफी सलाहियत रख दी है, वो इजाफी सलाहियत ये है कि उस सलाहियत से आदमी इल्म सीख, उलूम सीख, कोई भी इल्म हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, उर्दू हो, रूहानियत हो। लेकिन तारीख इंसानी करोड़ों साल की तारीख है, इस करोड़ों साल की तारीख में ऐसी एक भी मिसाल नहीं सामने आई कि किसी कबूतर ने पहली क्लास पढ़ी हो, दूसरी क्लास पढ़ी हो, बीए किया हो, एमए किया हो, या कोई कबूतर रूहानी उलूम सीख कर औलियाल्लाह बन गया, या कायनात में मौजूद कोई भी छोटी या बड़ी मखलूक पैगंबर बन गई। इसलिए कि पैगंबर बगैर इल्म के होते ही नहीं। तो इंसान का शक यह है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक इजाफी सलाहियत रख दी है, वो सलाहियत यह है कि इंसान उलूम सीख सकता है। कौन से उलूम सीख सकता है? दुनियावी उलूम भी सीख सकता है, मादी उलूम भी सीख सकता है। दुनियावी और मादी उलूम के साथ साथ वो गैब के उलूम भी सीख सकता है, मावराई उलूम भी सीख सकता है। ये लोग गलत कहते हैं कि इंसान को गैब नहीं आता, ये गैब वो नहीं सीख सकता। ये जो लोग कहते हैं कि इंसान को गैब नहीं आता, गैब नहीं सीखता, वो कुरान के खिलाफ बात करते हैं। अल्लाह ताला ने जब आदम को बनाया, कौन आदम? हमारा बाप, हमारा दादा आदम, जिसकी हम औलाद है। जब अल्लाह ताला ने हमारे बाप को बनाने का इरादा किया, हमारे बाप की तख्लीक करनी चाहिए, तो फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जमीन में अपना नायब, अपना खलीफा और अपने इख्तियारात देकर उसको अपना कायम मुकाम बनाने के लिए जमीन पर अपना नायब और खलीफा बनाने वाला हूं। फिर इसने कहा कि साहब खून खराबा करेगा, फसाद बर्पा कर देगा। अल्लाह ताला ने आदम को उलूम सिखाए। कौन से उलूम सिखाए?
ये बिल्कुल अलग बात है। पर अल्लाह ताला ने आदम को उलूम सिखाए और फरिश्तों के सामने आदम को पेश किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ हमने तुम्हें सिखा दिया है वो तुम फरिश्तों के सामने बयान कर दो। जब आदम ने अल्लाह ताला के सिखाए हुए उलूम फरिश्तों के सामने बयान किए तो फरिश्तों ने इस बात का इकरार किया, बेशक हम ये उलूम नहीं जानते जो आपने आदम को सिखा दिए। और इस बुनियाद पर कि फरिश्ते वो उलूम नहीं जानते थे जो आदम जानता था, फरिश्तों ने आदम की हाकमियत को कबूल कर लिया और आदम को सजदा कर लिया। सजदे से मुराद ये नहीं है जो हम सजदा अल्लाह मियां को करते हैं। रूहानी लोग सजदे से मुराद ये लेते हैं कि फरिश्तों ने चूंकि आदम के पास अल्लाह ताला के खुसूसी उलूम का ज़खीरा था, क्योंकि आदम के पास वो उलूम थे जो फरिश्तों को नहीं आते, तो फरिश्तों ने आदम के उन उलूम को सामने रखते हुए फरिश्तों की हाकमियत को कबूल किया, यानी आदम के सामने झुक गए। अब इसका मतलब यह हुआ कि जमीन की बात तो आप छोड़ दें, आदम के पास वो उलूम है जो फरिश्ते भी नहीं जानते हैं। यानी अल्लाह ताला ने आदम की जो फजीलत है वो इसलिए कायम की कि आदम को अल्लाह ताला ने वो उलूम सिखा दिए हैं जो कायनात में कोई भी नहीं जानता और इनकार है कि फरिश्ते भी नहीं जानते। ये तस्करा है हमारे बाप आदम का या हमारे जद्दे अमजद आदम का। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि औलाद में माँ बाप की तर्ज फिक्र मुंतकिल होती है, औलाद माँ बाप का विरसा होता है। तो हम चूंकि आदम की औलाद हैं इसलिए वो उलूम जो आदम को अल्लाह ताला ने सिखा दिए थे बतौर विरसे के उसकी सारी औलाद में मुंतकिल, बतौर विरसे के आदम के अंदर मुंतकिल होने का मतलब यह है कि आदम के अंदर वो सलाहियत मौजूद है जिस सलाहियत की बुनियाद पर आदम ने अल्लाह ताला के उलूम सीखे। तो इंसान का शर्फ यह हुआ कि इंसान के अंदर एक खुसूसी सलाहियत अल्लाह की इनायत करता है और वो ये है कि इंसान उलूम सीख सकता है, आलिम बन सकता है। कायनात में दूसरी कोई मखलूक इंसान के मुकाबले में इल्म नहीं सीख सकती। तो अगर हमें अपने शर्फ को बहाल रखना है, अगर हमें खुद को हैवानात से और दूसरी तमाम मखलूकात से मुमताज देखना है तो उसकी एक ही सूरत होगी, वो ये कि हमारे अंदर हमारे बाप आदम का विरसा यानी उलूम देखने की सलाहियत जो मौजूद है हमें उसे मुतहरिक करना होगा, हमें उस सलाहियत से काम लेना होगा। अगर हम उलूम सीखने की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा शुमार हैवानात में तो हो सकता है, इंसानों में नहीं हो सकता। हमें शर्फ कभी भी हासिल नहीं होगा जब तक कि हम उलूम नहीं सीखेंगे। अब जब दुनियादारी की बात आती है, आप ये देखें जितने भी लोग हुकूमत करते हैं
वो हमारे भाई होते हैं, हमारी तरह पैदा होते हैं, हमारी तरह जवान होते हैं, हमारी तरह बूढ़े होते हैं, हमारी तरह मर जाते हैं। लेकिन उनमें और आम आदमी में फर्क ये होता है कि वो उलूम सीखे हुए होते हैं। अब देखिए ना, आपने ये हुकूमत के कितने बड़े बड़े शोबे हैं, वजारतें हैं और सेक्रेटरीट हैं और क्या हैं और क्या हैं, वो हुकूमत कौन लोग चलाते हैं? जाहिर लोग चलाते हैं, पढ़े लिखे लोग चलाते हैं। तो दुनियादारी में भी इल्म की अपनी अलग एक हैसियत है। मोहल्ले में 1000 आदमी रहते हैं और उसी मोहल्ले में 2 आदमी PhD रहते हैं। जाहिर है वो 1000 आदमी की हैसियत उन 2 PhD के मुकाबले में कम है। जब भी तस्करा आएगा इल्म के मैदान में, उन 2 बंदों का तस्करा आएगा, 1000 आदमी का तस्करा नहीं आएगा। इसी तरह 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 भाई जाहिर रह गए, 1 भाई पढ़ लिख गया, तो उस घर में, उस खानदान में उस भाई की ज्यादा इज्जत होगी जो पढ़ा लिखा है, उन 3 भाइयों की इज्जत नहीं होगी जो जाहिर रह गए। यदि इस बात को आप जितना भी सोचेंगे, जितना भी इसकी गहराई में जाएंगे, एक ही जवाब आपको मिलेगा कि इंसान की फजीलत इल्म की बुनियाद पर कायम है। अगर इंसान के अंदर इल्म नहीं है तो उसकी हैसियत भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं है। सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ फरमाते हैं, मुलाकबे के लिए जाया करते थे, वहां अगर जिब्रील अलैहि सलाम तशरीफ लाए और फरमाया इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, देखिए नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई, जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा बुजुर्ग बंदे और पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, वहां भी इल्म दे रहे बैसा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के हुक्म से। यानी अल्लाह ताला का वो महबूब बंदा जिसके लिए सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ताला ने उसको भी फरिश्तों के जरिए इल्म सिखाया। इसी तरह जितने भी पैगंबरान अलैहिस्सलाम हैं, आप देखें हजरत जिब्रील तशरीफ लाते थे और उन्हें पढ़ाते थे और अल्लाह ताला के अहकामात उनके ऊपर नाज़िल होते थे, इल्म। अब ये कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील और आसमानी दूसरी किताबें, सहीफे, ये सब क्या है? इल्म के अलावा तो ये कुछ नहीं, सब कुछ इल्मी है। अब आप ये गौर फरमाएं कि आदम से लेके अब तक आदम की औलाद जमीन पर पैदा होती रही और मरती रही, बहरहाल वो आदम से उसका रिश्ता कायम रहा, आदम की औलाद आदम ही होती है। सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को 1400 साल गुजर गए। जब हम अपना इब्तदाई दौर देखते हैं तो वहां इल्म का चर्चा है, हर तरफ इल्म है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। यानी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान होता ही नहीं जब तक कि वो इल्म की तकमील ना कर ले। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, उनके बाद दूसरे जो बुजुर्ग हैं,
वो कुरान का इल्म जानते थे, हदीस का इल्म जानते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को जानते थे। उन तालीमात के की मौजूदगी में मुसलमानों ने जो तरक्की की है, मुसलमानों ने सारी दुनिया पर जो हुक्मरानी की, मुसलमानों ने जो साइंस की इजादात और तरक्की की, वो सब जानते हैं, कुछ भी बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के दौर से हम लोग दूर होते चले, गैर मुस्लिमों की साजिश से, लापरवाही से, या सुस्ती और काहिली से हम इल्म को छोड़ते चले गए। मुसलमान कौम में जहालत का अंसर गालिब होता चला गया। जिसे जैसे मुसलमान जाहिल होते चले गए, गैर मुस्लिम आलिम फाजिल होते चले गए। नतीजा आपके सामने है कि वही असलाफ हमारे आबा अजदाद, हमारे माँ बाप जो सारी दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, आज उन लोगों के गुलाम हैं जो कल हमारे महकूम थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इल्म सीख लिया है, हमारे अंदर से इल्म निकल गया है। अगर हमें अपनी नस्ल को परवान चढ़ाना है, अगर हमें दोबारा अपना इख्तदार हासिल करना है, अगर हमें गुलाम और महकूम बनकर जिंदा नहीं रहना है, पुराने पाक में मौजूद कायनात के तस्वीरी फार्मूले पुराने पाक में होते, किस तरह जिंदा रहे उसके तमाम तरीके, खाने के आदाब, पानी पीने के आदाब, अरबार करने के आदाब, दोस्तों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, कौन से ऐसा शो है जो कुरान पाक में कुछ सब अल्लाह ने खुद फरमाया कि कुरान एक ऐसी किताब है कि इसमें मैंने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को वजाहत के साथ बयान कर दिया है। कुरान का मतलब क्या है? कुरान का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं कि कुरान अल्लाह के उलूम की एक किताब है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर हमारे पैगंबर सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के तमाम उलूम का ज़खीरा किया। तो अब यही हुआ कि इंसान इस बुनियाद पर भेड़ बकरी से अफजल नहीं है कि उसके अंदर अकल है, बल्कि इंसान भेड़ बकरियों से इसलिए अफजल है कि उसके अंदर उलूम सीखने की सलाहियत मौजूद है, उलूम सीख रहता है। और अगर इंसान उलूम नहीं सीखेगा तो उसकी हैसियत भेड़ बकरियों के बराबर हो सकती है, लेकिन वो भेड़ बकरियों से अफजल कभी नहीं हो सकती। ये उलूम सीखने और सिखाने का जब मसला सामने आया, पहले तो हमने मुराकबा हाल कायम किए इस बुनियाद पर कि इंसान जब से अपनी रूह से दूर हो गया है, मादियत को उसने सब कुछ समझ लिया है, उस वक्त से इंसान बेसुकून हो गया, बेचैन हो गया, परेशान हाल हो गया, महकूम हो गया, दुनिया में जलील तरीन कौम में से शुमार होने लगा। इसलिए कि उसके पास ना उलूम है, ना उसके पास कोई ऐसी रूहानी सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी शनाख्त ला सके। बहरहाल एक मुराकबा सिलसिला शुरू हुआ
बीस बाईस साल से मैं सिलसिले में लगा हुआ। अल्लाह ताला ने मैं कामयाबी दी, लोगों को सुकून भी मिला, लोगों की परेशानियां भी खत्म हुई, बहुत सारे लोगों को बीमारियों से भी निजात मिली, लोग मोहब्बत से भी वाकिफ हुए, लोगों के अंदर से हसद जलन किब नखवत और नफरत के जज्बात भी खत्म हुए। ये अल्लाह की मेहरबानी, इसका करम है। तफरकेबाजी भी कम हुई, तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि काफी लोग थे एक प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं। तो फिर हमने सर जोड़ के मशवरा किया, हमारे यहाँ मीटिंग्स होती रहती हैं, सोचते रहते हैं किस तरह काम करें किस तरह काम करें। तो ये तय हुआ कि रूहानियत के साथ साथ, मुराकबों के साथ साथ उलूम का उसूल भी था। उस इल्म को हासिल करने के लिए हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बच्चों ने इन लाइब्रेरियों का सिलसिला कायम किया, अजीम या रूहानी लाइब्रेरी। इसका मकसद यह है कि इंसान के घर घर जाकर हम दस्तक दें, ए भाइयों हमने तुम्हारे लिए एक सेंटर खोल दिया है, आओ और इल्म सीखो। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ वक्त चाहिए। तो आपके सईदाबाद में भी अल्लाह ताला के फजल करम से आपके बच्चों की कोशिश, बड़े सईद बच्चे हैं जिन लोगों ने भी ये कोशिश और जद्दोजहद की उल्म को आम करके, आपके बच्चे हैं, आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत और तौफीक अता करें। ये हमने एक सेंटर कायम किया है अजीम रूहानी लाइब्रेरी के नाम से। तो मेरी अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपनी माओ और बहनों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के अंदर इल्म सीखने का जज्बा पैदा करें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उलूम हासिल करें, दुनिया भी उलूम हासिल करें, रूहानी उलूम भी हासिल करें। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। يا الله ہماری دنیا بھی اچھی کر, یا اللہ ہمارا دین بھی اچھا۔ تو دنیا اچھا کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی علوم سیکھنے ہوں, تاکہ ہم ایک معزز شہری بن کر زندگی گزاریں, اور اللہ سے قربت کے لیے اور کائنات میں موجود تمام مخلوق سے ممتاز ہونے کے لیے, اور اللہ کے دیے اپنے شرف کی حفاظت کے لیے ہمیں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم بھی سیکھیں۔ دنیاوی علوم کے لیے یہاں اسکول کھلے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی علم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ, تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ علوم سیکھیں, اور ساتھ ساتھ نوجوان نسل کے لیے آپ کوشش کریں, جدوجہد کریں, خود بھی ہیں انہیں بھی لائیں کہ وہ روحانی سینٹر میں روحانی علوم سیکھیں۔ آج اس افتتاحی تقریب کا منشا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے باپ آدم کے ورثے کو محفوظ ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو علم سیکھنے کی صلاحیت بطور خاص عطا فرمائے, ایسی صلاحیت جو کائنات میں کسی کے بھی اندر نہیں, انتہائی فرشتوں کے اندر نہیں, اس صلاحیت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, رزق میں ترقی عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ سعید بنائے,
हमारे ऊपर जो औलाद के फराइज हैं अल्लाह ताला हमें उनसे सुबूदोश करे और हम एक जिंदा ओम की तरह जिंदा रहें और सजदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तरक्की में हम ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त लगाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।